मोहम्मद रफी साहब कभी गुस्सा नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। रफी साहब कभी कभी गुस्सा भी करते थे। एक बार रफी साहब ने कह दिया था एक एक्टर से कि तुम्हारे गाने के लिए क्या मैं मर जाऊं, लेकिन रफी साहब ने कहा था ये बात गुस्से के साथ, थोड़ी शरारत भी थी। एक नया किस्सा, नई कहानी रफी साहब के हवाले से, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे, आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही जबरदस्त था। वो कभी कभार एक अलग अंदाज में ही हंसी को पहुंचा देते थे दूसरों के चेहरों पर। एक ऐसा ही किस्सा, हालांकि ये बात बताते हुए रफी साहब सही मानों में थोड़ा गुस्से में जरूर थे, लेकिन पूरी बात को उन्होंने हंसी में टाल दिया था। लेकिन रफी साहब की ये बात सुनकर पूरा स्टूडियो जबरदस्त हंसने लगा था। एक ऐसा किस्सा आप सबको बताते हैं। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ फिल्म ब्रह्मचारी का एक गाना आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये गाना बड़ा ही पॉपुलर है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। तो जब ये गाना रिकॉर्ड होना था तो ये गाना पिक्चराइज तो होना था शम्मी कपूर जी पर, लेकिन शम्मी कपूर जी भी संगीत में बड़े ही दिलचस्पी रखने वाले थे। वो खुद भी नॉलेज रखते थे और खुद भी अच्छा गा लेते थे। तो शम्मी कपूर जी ने रफी साहब से इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान कहा कि आपको ये जो पार्ट है अंतरे का, उसमें आपको ब्रीदलेस गाना है। गाने के दौरान आपको हो सके तो सांस को रोक करके एक ही सांस में पूरे लाइन को कंप्लीट करना है। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे सांसों में होगी, फूलों की डोली में होगी तो रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। ये पूरा लाइन शम्मी कपूर जी चाहते थे कि आपको एक ही ब्रीद में गाना है। इस गाने के लाइन के दौरान आपको सांस लेनी नहीं है। हालांकि दोस्तों, रिदम के मीटर में जैसे मैं अभी एक सांस में बोल गया, लेकिन एक सांस में गाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस गाने के दौरान रिदम का मीटर भी चलता रहता है। तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद रफी साहब की सांस पूरे सम तक पहुंच नहीं रही थी, तो बार बार इस चीज का रीटेक होता रहा। तो शमी कपूर बार बार यही एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं रफी साहब, आपका ये पार्ट पूरा नहीं आ रहा है, आपको ये फिर से लेना है, आपको ये अंतरा ऐसे गाना है, ये आप कर रहे हैं वो गलत है। तो आखिरकार गुस्से में आकर के रफी साहब ने कहा कि भाई शम्मी, अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो जीऊंगा कहां से, मुझे सांस लेने की इजाजत आप दे दे। तो जब रफी साहब ने ये कहा तो पूरे स्टूडियो के जितने भी फनकार थे वो सब मुस्कुराने लगे। रफी साहब ने अपने उस जोक को थोड़ा और लंबा किया और उन्होंने कहा कि क्या शम्मी, तुम्हारे गीत के लिए मैं मर जाऊं क्या। तो पूरा स्टूडियो हंसने लगा था। ये थे रफी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर का जादू। तो आइए दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास कहानी रफी साहब के हवाले से। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। जब हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, अगर ले लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, आज का हमारा वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे।
मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।